करो सर नारा भी देखो करें पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी अमर रहे अमर रहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी अमर रहे अमर रहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी अमर रहे अमर रहे भारत माता की जय भारत माता की जय वंदे मातरम वंदे मातरम 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 वंदे मातरम भारत माता की जय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी अमर रहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी अमर रहे भारत माता की जय। उनको श्रद्धांजलि अर्पित की गई और जब भी कहते हैं कि राजनीति दिशाहीन होने लगती है उसको दिशा देने के लिए कोई ना कोई युग पुरुष का जन्म होता है और पंडित दीनदयाल जी एक युग पुरुष थे और उन्होंने एक बाल्यकाल में ही उनके माता पिता से उनको वंचित रहना पड़ा और उसके बाद वो मथुरा में जाके उन्होंने अपनी बाकी की जो पढ़ाई थी पूरी की और जनसंघ के जो फाउंडर मेंबर थे उनमें से एक पंडित दीनदयाल जी थे और उन्होंने उनका यही सोच थी कि पंक्ति के जो अंतिम में व्यक्ति खड़ा है उस तक किस तरह से लाभ पहुँचाया जाए और उन्हें उन्होंने इसी कार्य के लिए अपना जीवन अपना तन मन धन सब समाज के लिए अर्पित किया। आज मैं उनको सच्चा नमन करता हूं और यही प्रेरणा लेकर सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज यहां से जाएंगे कि उनके बताए हुए मार्ग पर हम चलें और कैसे हमारी पार्टी मजबूत हो। धन्यवाद। आज बीजेपी शहरी मंडल टीम ने और साढ़े पूर्व मंत्री रजीत सोटिया जी और साढ़े सीनियर लीडर साढ़े विद्या सागर जी और साढ़े डॉक्टर इंदर जी और साढ़े शिशपाल पप्पू जी सारे वरिष्ठ कार्यकर्ता अज इतने उपस्थित थे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती उपर और उन्हें सारे ने कार्यकर्ताओं ने पुष्प अर्पित करिए श्रद्धांजलि दी गई और उनका जोड़ा एक नारा है कि अंतोदय कि लास्ट व्यक्ति का जिन तक विकास नहीं होता उन्हें तक साढ़े हर वादे जोड़े अधूरे हैं और प्रधानमंत्री जी हरी मोदी सरकार है वो उसी कार्य पर उचित काम करते हुए कार्य करते हुए उसी दिशा चले दे और साढ़े भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक कार्यकर्ता उसी के तहत दिन रात पार्टी की पिछे लगे दे कार्य कर लगे दे और मैं अपने सारे देशवासियों और कठुआ वासियों बड़ी बड़ी मुबारक दिना अज कि साढ़े पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्मदिन है बहुत ज्यादा दिन जबर अर्पित किए हैं और भगवान से प्रार्थना की है कि उनकी आत्मा को शांति मिले और जैसे कि आप सभी जानते हैं उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए जो एक अपना जीवन नशावर कर दिया था जो उन्होंने अपने सिद्धांत बनाए थे उन्हीं सिद्धांतों के ऊपर आज भारतीय जनता पार्टी हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी उसी लक्ष्य को लेकर चले हुए हैं और जो हमारा लाइन में अंतिम व्यक्ति है उसके तक जो योजनाएं बनी हुई हैं वो पहुंचा रहे हैं। जय हिंद जय भारत। आप सब जानते हैं कि आज स्वर्गीय दीनदयाल उपाध्याय जी का आज जन्मदिवस है और इसी के संदर्भ में आज हम सब इधर इस कार्यालय में इकट्ठे हुए हैं उनको याद करते हुए और आज के इस महान दिन पर यही संकल्प हम सब लेते हैं कि जो उनका बताया हुआ जो मार्गदर्शन है उसी मार्गदर्शन पे ऊपर चलने का हम प्रयास करेंगे और जिस तरीके से पूरे भारतवर्ष में जो एक उन्होंने थॉट दिया उस थॉट पे आज की सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री साहब के नेतृत्व में जैसे चल रही है तो यही उम्मीद यही संकल्प आज के दिन और यही सब कार्यकर्ताओं का यही संकल्प है कि उनके बताए हुए मार्गदर्शन पर चले और इस देश को तरक्की और उन्नति की तरफ ले।